अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग लिए वीडियोज़ बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है बैंक अल्फला से रिलेटेड है। बैंक अल्फा पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत सक्सेसफुल बैंक और बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेज, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया 800 प्लस ब्रांचेज है इसकी पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। और अगर बात करें कराची की तो कराची में तो आपको इसकी हर मोहल्ले में आपको बैंक अल्फला की ब्रांच मिल जाएगी। तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फला की प्रोडक्ट है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को अल्फला केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है। मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है इसका और मुनाफा भी दो चीज़ों को मैं हमेशा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, एक ये कि आपका मुनाफा हर महीने मिलता हो, दूसरा जो आपके आपके मुनाफा की कैलकुलेशन वो डेली बेसिस पे हो, मतलब डेली बेसिस पे जो अकाउंट का अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस हो। फॉर एग्जाम्पल आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए था तो 1 लाख पे मुनाफा कैलकुलेट हो गया और आपके जेल में चला गया, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, अकाउंट का बैलेंस 1,20,000 हो गया, तो क्या हुआ अगले दिन क्या हुआ, 1,20,000 पे मुनाफा कैलकुलेट हो गया। दो दिन बाद क्या हुआ, अकाउंट का बैलेंस जो 1.5 लाख रुपये हो गया, ठीक है, तो 1.5 लाख पे मुनाफा कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेली बेसिस पे जो अकाउंट का बैलेंस होता है उस पर मुनाफा कैलकुलेट होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा, ज़्यादा दिखने से मेरा और भी चीज़ें होती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका आपकी फैमिली में किसी के पास किसी को अकाउंट में पैसे रखवाने, या फैमिली में किसी ने घर सेल कर दिया, 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपये घर सेल हो गया वो, ठीक है, आपने वो पैसे उठा के अपने अकाउंट में रख दिए 10 दिन 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए, ठीक है। तो 10 दिन 15 20 दिन तक जो है वो 1 करोड़ का डेली प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होता रहा और आखिर महीने के आखिर में आपके अकाउंट में गिर गया, और 1 करोड़ रुपये आपको जिसको देना था 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने बाद जो आपने उसको वापस कर दिया और लाखों रुपये का आपको जो है वो मुनाफा मिल गया, क्योंकि जो आपका मुनाफा की कैलकुलेशन वो क्या है, डेली अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर होगा। तो इन दो चीज़ों को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि डेली मतलब मंथली प्रॉफिट हो और जो प्रॉफिट कैलकुलेशन हो वो डेली बेसिस पे हो, डेली क्लोजिंग बेसिस। तो ये जो अल्फला केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट है इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि आपका जो मुनाफा कैलकुलेशन होगा वो डेली अकाउंट क्लोजिंग के बेसिस पे होगा, रोज़ाना का जो अकाउंट बैलेंस होगा उस पर क्लोज होगा और दूसरे के प्रॉफिट आपको मंथली मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और इसमें ऐड करूँ कि डेली क्लोजिंग का और क्या फ़ायदा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको घर का खर्चा नहीं चलाना है, ठीक है, तो आपके पास महीने के स्टार्ट में जो भी पैसे थे आपने अकाउंट में रख दिए, ठीक है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही ATM से आने 500, 1,000, 2,000, 3,000 निकालते रहे, ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि जितने पैसे थे ना अकाउंट पर उसके प्रॉफिट आपको मिलता ही रहेगा, ठीक है, और ज़रूर के मुताबिक 500, 1,000 रुपये करके आपने निकाला, बाकी अकाउंट में रहा तो डेली बेसिस पे अकाउंट में जो भी प्रॉफिट था उसको कैलकुलेशन होती रही और प्रॉफिट मिलता रहा। तो छोटी छोटी बचतें जो है, यानी कि छोटे छोटे प्रॉफिट आगे चल के 1 साल 2 साल 3 साल में ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाते हैं। तो जरा वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो का हिस्सा था लेकिन अगर इस गुफ्तगू को हम बढ़ाते रहेंगे तो आगे बढ़ते ही जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, जो अकाउंट का नाम है अल्फला केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट है जनाब ये, ठीक है, और इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं, अदर डिटेल्स है क्या, प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। अच्छा लोग सवाल करते हैं सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट से मुताल्लिक, कोई अकाउंट बताएं जिसका प्रॉफिट जो है वो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट के मुताबिक हो। तो जनाब इसका जो प्रॉफिट होगा वो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट से कम नहीं होगा। दूसरा ये कि आप इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट पर प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब चल रही वीडियो की तरफ, अल्फला केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट इंश्योर दैट बेसिक बैंकिंग नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन आर मेट एट द एंड अलाउज देम टू इंजॉय हाई रिटर्न्स एवरी मंथ ऑन देयर सेविंग विद फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉवल प्रॉफिट्स एट एनी टाइम, ठीक है। ये जो अकाउंट है अल्फा सीनियर सिटीजन, उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, ठीक है, या बूढ़े जिनको कह लें, उनके लिए है जो अपनी लाइफ ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हैं, मतलब जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियली वो हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, और जब चाहे अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है। आगे चलते जनाब फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें, अट्रैक्टिव रिटर्न्स, ठीक है, विथ मंथली
पे आउट्स प्रॉफिट कैलकुलेशन डेली बैलेंस। देखिए नंबर वन पे भी प्रॉफिट वो लिखा गया जिसके बारे में मैंने भी तकरीबन 30 सेकंड या एक मिनट की बात की, एक डेली बेसिस पे मुनाफा कैलकुलेट हो और हर महीने आपके अकाउंट का प्रॉफिट हर महीने आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाती है। उन्होंने पहला पॉइंट ये रखा अट्रैक्टिव रिटर्न्स, मतलब अच्छा प्रॉफिट जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है मंथली पे आउट, हर महीने आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन डेली बैलेंस, जो भी अकाउंट का डेली बैलेंस होगा उस पर जो है प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा टायर बेस रेट सेट, अभी ये टायर बेस इन्होंने मैंशन किया हुआ है लेकिन करंटली जो टायर बेस नहीं, मतलब एक रुपये एक करोड़ है उसका प्रॉफिट सेम ही मिलेगा आपको। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब अकाउंट का बैलेंस एक रुपये भी है तो कोई मसला नहीं हो, ठीक है। अच्छा फ्री ई स्टेटमेंट है जो आपको थोड़ी ईमेल मिल रहा होता है। अच्छा उसके बाद एसएमएस अलर्ट्स और डिजिटल ट्रांजेक्शन, जैसे एटीएम वगैरह की ट्रांजेक्शन होती है ना उसका आपको एसएमएस आया करता है, ठीक है। उसके बाद फ्री लोकल फंड ट्रांसफर एनी बैंक अल्फला अकाउंट BAFL, इसको बैंक अल्फला का शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं फ्री लोकल फंड ट्रांसफर टू एनी बैंक अल्फला अकाउंट, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में आप बैंक अल्फला से बैंक अल्फला कहीं भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा उसके और भी डिवर्ट्स पॉइंट, मतलब वो जो पॉइंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं ट्रांजेक्शन की वजह से और बाद में जाके आप उनको इन कैश करवा सकते हैं, वो फैसिलिटी मौजूद है। ऑटमोस्ट ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी मौजूद है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट विड्रॉल, जितना दिल करे आप डिपॉजिट करवाएं, जितना चाहे निकलवाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। उसके कह रहे हैं एंजॉय अनलिमिटेड वेवर्स अक्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा उसमें क्या फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू 800 ब्रांचेस, वही बात है कि पूरे पाकिस्तान में 800 ब्रांचेस हैं, उसमें कहीं भी फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आगे चलते जरा, फ्री चेकबुक इश्यूस, चेकबुक भी फ्री है इस अकाउंट पे। उसके क्या होता है फ्री बैंकर चेक, बैंकर चेक क्या होता है जनाब, पे ऑर्डर के सब्सटीट्यूट में या डिमांड ड्राफ्ट के सब्सटीट्यूट में उसके मुताबिक के तौर पे जो है वो बैंकर्स चेक है। ये पे ऑर्डर ही होता है, डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, लेकिन अब जो है ज़्यादातर बैंक जो बैंकर्स चेक यूज़ कर रहे हैं पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट की जगह, ठीक है। अच्छा उसके फ्री सेम डे क्लियरिंग, अगर इस अकाउंट में आप पैसे जमा करवाते हैं तो सेम डे क्लियरिंग, मतलब सुबह पैसे जमा करवाएंगे सुबह सुबह और शाम तक उसके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, उसको सेम डे क्लियरिंग कहते हैं, ठीक है। वरना होता है कि आज पैसे जमा करवाए अगले दिन शाम 6 बजे के बाद जब क्लियरिंग रिलीज होती है उसके बाद जो है आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। अच्छा फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग, ये भी इंटरसिटी क्लियरिंग भी होता है, जो निफ्ट के अंदर में जो इलाके नहीं आते वो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो भी यहाँ पर फ्री है। अच्छा उसके बाद फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग रिटर्न्स, ठीक है। अच्छा क्या है फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग रिटर्न्स इंक्लूड सेम डे इंटरसिटी, ठीक है, रिटर्न्स, ठीक है। ये सब भी फ्री, मतलब कोई चेक आपका बाउंस हो जाता है चाहे वो इंटरसिटी का क्यों ना हो, उस पर भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा उसके बाद नीचे लिखे रहे ये आपको दिख रहा होगा ऑल टैक्सेस ज़कात आर एप्लीकेबल एज गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। अच्छा ये सेविंग अकाउंट है तो उसमें ज़कात भी होगा। अच्छा उसके अलावा कोई नीचे इन्होंने मेंशन किया कोई अगर सर्विस चार्जेस होंगे तो शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो बैंक का होता है उसके मुताबिक लगेगा। अच्छा अकाउंट खुलवाने का तरीका है कि किसी भी बैंक का अल्फला के ब्रांच का विजिट करें, वैसे ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं डिजिटल अकाउंट जिसको कहता है, लेकिन डिजिटल अकाउंट 1% भी लोग नहीं खुलवाते, 99% जो है वो ब्रांच ही जाते हैं। और डिजिटल अकाउंट बहुत ही सिंपल होता है, अपने लैपटॉप से या फिर मोबाइल से जो है वो आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, डिजिटल अकाउंट सेलेक्ट करें, वहाँ अपना शरारती कार्ड नंबर का सारी डिटेल्स इनपुट करें, शरारती कार्ड की कॉपी अपलोड करें, बैंक सेट की अपलोड करें, सैलरी स्लिप की कॉपी अपलोड करें, सारी डिटेल्स इनपुट करें, सब फॉर्म सबमिट करें तो आपका अकाउंट खुल जाता है 1 से 2 दिन में अगर आपने सही फॉर्म सही भरा हो। लेकिन वो 1% भी नहीं, 99% लोग जो है वो ब्रांच जाके अकाउंट खुलवाते हैं। तो ब्रांच जाके अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, शरारती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शरारती कार्ड, इनकम प्रूफ और फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो फॉर्म तो आप ब्रांच वाले खुद ही भर लेते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो पाकिस्तान के जितने बैंक भी हैं वो ब्रांच वाले फॉर्म खुद ही भर रहे होते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे और आप फॉर्म पे साइन कर देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा इनकम प्रूफ में एक इशू आता है कि इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, ठीक है। तो इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, तो वो भी इनकम प्रूफ होता है। अच्छा इसके अलावा किसी के पेंशन के डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं
तो वो भी इनकम प्रूफ में होता है। और खासतौर पर सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो इसमें तो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही ज़्यादातर लोग जमा करवाते हैं, तो पेंशन डॉक्यूमेंट्स आप दे देंगे तो वो भी आपका इनकम प्रूफ होता है। या फिर किसी के दुकान या घर वगैरह रेंट पे है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे तो वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या किसी के ने गोल्डन हैंड शेक लिया तो उसके गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट जमा कर वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने जॉब से सेपरेशन लिया तो उसके डॉक्यूमेंट दे देंगे तो वो भी इनकम प्रूफ है। मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड चाहिए, सीएनआईसी कॉपी, इनकम प्रूफ और जनाब फॉर्म को फॉर्म फिलअप हुआ होगा ब्रांच की तरफ, आप साइन कर दें तो अकाउंट खुल जाएगा। जो आपका इनकम प्रूफ है उसकी मैंने डिटेल्स में आपको बता दें कि इनकम प्रूफ होता क्या है, ठीक है। अब डायरेक्ट चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ, ठीक है। और ये देखिए आपको दिख रहा है अल्फ्रा केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है। उन्होंने लिखा मंथली प्रॉफिट मंथली प्रॉफिट पेमेंट। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ और बता दूं कि जो अकाउंट जो है सीनियर सिटीजन अकाउंट है, मतलब 60 साल बंदे की उम्र हो या 60 साल से ज़्यादा हो वो अकाउंट खुलवा सकता है। इसके अलावा ये अकाउंट जॉइंटली भी खुल सकता है, मतलब ये कि जॉइंटली खुल सकता है लेकिन उसमें एक शख्स की उम्र कम से कम जो है वो 60 साल होनी चाहिए, वो प्राइमरी कस्टमर होगा। मतलब पहला जब फॉर्म भरेंगे तो पहला नाम जो है उस शख्स का होगा जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। उसके बाद उसके साथ कोई भी 18 19 20 25 30 साल का कोई भी शायद अकाउंट खुलवा सकता है, और फिर पैसे जिसके भी हो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आप सिंगली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं लेकिन उनकी 60 साल होने से ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं, तो ज्वाइंटली में एक की उम्र 60 साल होगी, ठीक है। तो जनाब मंथली आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, बता चुका हूँ प्रॉफिट कैलकुलेशन और डेली क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। हर दिन की जो आखिरी एंड ऑफ डे की बात का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा प्रॉफिट रेट 20.50% 20.50%, ठीक है। टायर बेस अभी नहीं है, आप एक रुपये अकाउंट में 1,00,000 रुपये आपको प्रॉफिट जो रेट मिलेगा 20.50% के हिसाब से ही मिलेगा। सर्वाइस लाइफ सेविंग अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट इतना ही है। जनाब हम आ गए हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जिसको प्रॉफिट है वो तकरीबन वही है जो सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का है, लेकिन ये प्राइवेट बैंक है, ठीक है, और बहुत ही अथेंटिक बैंक है। मैं अगर प्योरली आप लोगों को बताऊँ, अगर मुझे मेरे पास पैसे हो जितने भी हो और मुझसे मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं या तो सर्विस टाइम से या तो मैं नेशनल सेविंग में रखवा दूँ, चाहे सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट हो या बहबूद सेविंग बहबूद हो, कोई भी हो, मतलब प्रॉफिट रेट प्राइवेट बैंक का और नेशनल सेविंग का सेम हो, तो मुझे ऑप्शन दिया जाएगा या तो आप नेशनल सेविंग पैसे रख दें या फिर प्राइवेट बैंक में रख दें, जबकि दोनों जगह प्रॉफिट सेम मिल रहा होगा तो मैं प्राइवेट बैंक की तरफ जाऊंगा। बैंक अल्फ्रा जैसा कोई बैंक होगा तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा, ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी, ठीक है। तो जरा प्रॉफिट रेट कैलकुलेशन की तरफ आ जाए, जो साल का रेट है 20.50%, साल का मुनाफा बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप फायदा है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 में जो प्रॉफिट बन रहा है 1,452 रुपये का आपको प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं नन फायदा की, तो जनाब साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप नन फायदा तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 513 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पर 1,196 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। अच्छा जो फाइलर का प्रॉफिट हो तो बहुत ही शानदार है। अच्छा वीडियो की स्टार्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि इस पर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं, तो तकरीबन 2% का इसमें इजाफा हो सकता है अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। अच्छा वो इजाफा कैसे होगा, वो आपने करना ही होगा, कम से कम 1 साल तक आपने अपने अकाउंट से ना प्रॉफिट निकलवाना पड़ेगा और ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे। होगा क्या कि फॉर एग्जांपल 10,00,000 रुपये आपने रखा है अपने अकाउंट में, ठीक है, और पहले मैं 1 महीने बाद किया उसका प्रॉफिट आया था 15,000 रुपये प्रॉफिट आया, आपने 10,00,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट भी अकाउंट में रहने दिया और प्रॉफिट 15,000 भी रहने दिया, ठीक है। अगले महीने क्या होगा, 10,00,000 भी प्रॉफिट आएगा और 15,000 जो प्रॉफिट था उसमें भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा, उसके महीने उस महीने का भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। पिछले महीने का भी प्रॉफिट मौजूद था 15,000, तो तीसरे महीने में क्या होगा, 30,000 भी प्रॉफिट आएगा आपका, 10,00,000 भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इस तरह 4-5 महीने बाद क्या होगा, जरा 15,000 करते करते वो जो 5 महीने बाद 6 महीने बाद आपका जो 10,00,000 था वो 10,00,000 रुपये नहीं रहा, वो तकरीबन 11,00,000 रुपये हो गया, और 5 महीने 6 महीने बाद आपका जो प्रॉफिट आ रहा होगा 10,00,000 पे नहीं बल्कि 11,00,000 रुपये पे प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है। और पूरे साल इस तरह देखेंगे तो आपका जो 1 साल बाद का जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो 10,00,000 नहीं होगा बल्कि वो प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट हर महीने प्रॉफिट आते आते वो तकरीबन 12,00,000 रुपये क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, पूरे साल भर जो है आपने ना प्रॉफिट निकलवाना है ना ही प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा लोग सवाल आते ये करते हैं कि भाई अगर हम तो हैंड टू माउथ है, अगर हम प्रॉफिट नहीं निकलवाएंगे अकाउंट से तो हम खाएंगे पिएंगे। देखिए हमारा काम है आपको आइडिया देना, तो हम आपको आइडिया ही दे सकते हैं, और
कुछ लोग ऐसे हैं कि वाकई हैंड टू माउथ है, लेकिन 100% लोग हैंड टू माउथ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सेविंग को भी दोबारा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जो जॉब वर्क कर रहे थे उससे जो सेविंग आती है उसको भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा काम है राय देना, और अगर ऐसा ही है कि आप हैंड टू माउथ है तो कोशिश ही करें। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट का प्रॉफिट आया 50,000 रुपये, ठीक है, और आपको पूरा 50,000 रुपये निकाल लें, तो आप ज़रूरत के मुताबिक, जैसे स्टार्ट पहले हफ्ते में 5-6 हज़ार रुपये की जरूरत है, 10,000 की जरूरत है, अब तो अकाउंट से 10,000 रुपये निकलवाए ताकि बाकी जो 40,000 रुपये है उस पर आपको प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है। तो जरा एक नज़र हम देख लेते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की तरफ, बाकी आप लोगों पे है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट लेना चाहिए या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं, ठीक है। जो रेट बन रहा है वो 22.50% बनना, तब तक बने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, यानी कि साल का मुनाफा बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1,875 रुपये, ठीक है। अगर आप फायदा है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 281 रुपये, और टैक्स काटना 1,15,94 रुपये फाइनल को प्रॉफिट बन रहा है, या हर मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,594 रुपये, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन 1,16,000 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बात कर लेते हैं नन फाइनल की, तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,875 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप नन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 563 रुपये, और टैक्स काटने बाद 1,13,013 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब फाइनल का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, 1,594 रुपये, ठीक है। वरना अदरवाइज आप नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे तो टैक्स काटने के बाद भी 1,452 रुपये का फाइलर को प्रॉफिट मिल रहा है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, अल्फा केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, 60 साल या 60 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग होते हैं वो ही अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो आप लोग वीडियोज बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।